हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। शिमला नगर निगम में किए गए दो वार्डों के पुनर्सीमांकन पर हाईकोर्ट ने शिमला के उपायुक्त को पुनर्विचार करने के निर्देश जारी किए हैं। पुनर्सीमांकन को लेकर उच्च न्यायालय में 3 याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में 2 याचिका समरहिल वार्ड के सीमांकन और 1 याचिका नाभा वार्ड के सीमांकन से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा 1 याचिका समरहिल वार्ड रोस्टर रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर भी 1 याचिका दायर की गई थी। रोस्टर से जुड़ी इस याचिका में समरहिल वार्ड को महिलाओं के लिए रिजर्व करने पर आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुनर्सीमांकन की याचिका को स्वीकार करते हुए वार्ड नंबर 5 समरहिल और वार्ड नंबर 11 नाभा में किए गए पुनर्सीमांकन पर पुनर्विचार करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा रोस्टर को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से सिर्फ वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 11 के पुनर्सीमांकन पर विचार करने के आदेश जारी किए गए हैं। अन्य वार्डों में सरकार की ओर से किए गए पुनर्सीमांकन की स्थिति यथावत बनी रहेगी। बता दें कि 24 फरवरी 2022 को शिमला उपायुक्त ने पुनर्सीमांकन के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद मामले में कुल 4 याचिकाएं दायर की गई थी। कुल 4 याचिकाओं में पुनर्सीमांकन से जुड़ी 3 याचिकाओं को स्वीकार करते हुए संबंधित याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को सुनने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम शिमला के 34 वार्ड थे जिसमें पुनर्सीमांकन कर 41 बनाए गए थे। यहाँ पे 3 याचिकाएं लंबी थी, 2 डिलिमिटेशन को थी और 1 रिजर्वेशन को लेकर। तो जो डिलिमिटेशन से रिलेटेड थी वो 1 नाभा वार्ड से थी और 1 समरहिल वार्ड से थी, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 5 से। तो इसका फैसला सुनवाई पहले हो चुकी थी, 13 मई को रिजर्व रखी गई थी जजमेंट, उसका फैसला आज आया हुआ है। तो ये जो फैसला आया हुआ है इसमें जो याचिकाकर्ता थे सी बी नंदा, इन कुछ एक लोगों ने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी कि जो नाभा वार्ड के कुछ एक एरिया हैं वो टुट्टीकंडी वार्ड में शामिल कर दिए गए हैं, इसको लेकर आपत्ति थी। तो आज हाईकोर्ट ने उनकी याचिका में काफ़ी सुनवाई के बाद जो आज फैसला आया हुआ है उस पर उनकी याचिका स्वीकार कर ली है और डिप्टी कमिश्नर शिमला को निर्देश दिए हैं कि वो इन याचिकाकर्ताओं की मतलब जो आपत्तियाँ हैं उनके ऊपर दोबारा सुनवाई करें और नए सिरे से इनकी डिलिमिटेशन करें समरहिल वार्ड और नाभा वार्ड को लेकर। और जो तीसरी थी रिजर्वेशन को लेकर उस याचिका को आज खारिज कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जो ये सरकार के डोमेन में है, जो सरकार ने किया है वो ठीक किया हुआ है कि जो रिजर्वेशन किस बेस पे होनी चाहिए।